राम राम जी। आजकल आप मीडिया में देख रहे हैं, एक बाबा हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव से आते हैं। आजकल चर्चा में है सामने वाले व्यक्ति की बात, जो हम मन की बात जानकर के एक पर्चे के ऊपर लिखने का काम करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि बाबा को कैसे पता चल जाता आज के साइंस के युग में कि कोई बंदा सामने है, वो कहाँ से आया है, क्या काम करता है, क्या तकलीफ है, बाबा वो मन की बात कैसे जान सकते हैं। दरअसल ये सिद्धियां होती हैं, वो शक्तियां होती हैं जिनके कारण बाबा वो मन की बात जानते हैं। उन्हीं शक्तियों के बारे में, उन्हीं सिद्धियों के बारे में बात करूंगा। अब ये बाबा जो है चर्चा में क्यों आया, दरअसल महाराष्ट्र का एक नागपुर पड़ता है, आपको पता है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय, वहां पर वो कथा वाचन के लिए गए थे, कथा भी करने का काम करते हैं। वहां पर एक संस्था है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उसके एक नेता है या फिर उसके कोई संरक्षक है जिनका नाम है श्याम मानव। उन्होंने बाबा को एक चमत्कार जो दिखा रहे बाबा, कहा कि आप अगर चमत्कार दिखा रहे हैं तो आप मेरा चैलेंज स्वीकार करिएगा, मेरे बराबर वाले कमरे में क्या क्या सामान है वो सामान आप बता दीजिए, मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा। अब कहते हैं कि ये चैलेंज सुन के बाबा कथा छोड़ करके भाग गए और रायपुर चले गए। खैर, इसके पीछे सच क्या है इसके बारे में तो बाबा बहुत बार बयान दे चुके हैं, लेकिन रायपुर के अंदर जो कथा हो रही है उसके अंदर जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है, बाबा जो है जिनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इन्होंने चैलेंज को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके कहा कि आप आइए मेरे पास और मैं आपके कमरे में क्या क्या रखा है मैं आपको बताऊंगा, अगर मैंने बता दिया तो जिंदगी भर गुलाम रहना पड़ेगा। अब श्याम मानव वहां पर नहीं आए। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या बाबा ये बता देते कि साइड वाले कमरे में क्या रखा है। अगर आप मुझसे पूछें तो बिल्कुल आसान सी भाषा में कहूंगा, हाँ वो बता सकते थे, और ये बेहद आसान काम था उनके लिए, बेहद आसान काम है, चुटकियों में बता देते वो। कौन है बाबा? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा एक गांव पड़ता है। 5 साल पहले इस गांव को कोई नहीं जानता था। इस 27 साल के नौजवान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरे विश्व के अंदर इस गढ़ा गांव को जनाने का काम किया है। 1996 के अंदर इसी गढ़ा गांव के अंदर जन्म हुआ था। खाने के एक वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। इनके दादा पंडित भगवान दास गरग, गरग है ये बनिया जिसको हम अपने उत्तर भारत में खासतौर पर बोलते हैं, इनके दादा पुजारी थे। 11 साल की उम्र से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो बालाजी भगवान जो है उनकी पूजा करने का काम करते हैं। उनके हाथ में भगवान हनुमान की गदा रहती है, उसको घुमाते हैं, घुमाने के बाद में चमत्कार करते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या वास्तव में चमत्कार करते हैं, क्या वो एक अंधविश्वास फैलाते हैं, क्या कुछ शक्तियां हैं, उनका जवाब मैं उनको देने का काम आप लोगों को करूंगा। दरअसल रायपुर के अंदर नेशनल मीडिया के सामने, देश के बहुत सारे मीडिया चैनल थे उनके सामने बाबा ने चैलेंज दिया कि श्याम मानव यहां पर आए, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं, लेकिन वो नहीं आए। अब आपके मन में सवाल होगा कि वो क्या शक्तियां हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग शास्त्री को आकर के बताने का काम करती हैं। उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री, क्योंकि वो खासतौर पर धर्म, जो हिंदू धर्म से जो लोग बिछुड़ के वापसी चले गए उनकी घर वापसी करवाने का काम करते हैं बड़े लेवल के ऊपर, इसलिए भी वो निशाने के ऊपर रहते हैं। कुछ फोटो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये उन्हीं की फोटो है, अब उन शक्तियों का जिक्र भी करूंगा। ये एक फोटो इनके फैन के द्वारा वायरल की गई कि ढोंग सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री करते, यहां तो गाड़ी को पोइम सुनाई जा रही है। ये कोई पादरी है, नई गाड़ी कोई बंदा लेके आया, उसके सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि गाड़ी ठीक चले। ये कहते हैं कि क्या ये भी अंधविश्वास नहीं है। एक और तस्वीर दिखाता हूं जो बहुत वायरल हो रही है। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, कोई ब्रिटिश महिला है, उनसे गले मिल रहे हैं। ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि देखिए किस तरह से गले मिलते हुए एक साधु को शोभा नहीं देता। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप इसके अंदर समझो तो साधु जो होता है दिल से मिलने की भावना होती है। हम माँ से भी गले मिलते हैं, हम बहन से भी गले मिलते हैं, क्या वहां पर हम गलत हो जाते हैं? अब इसके मन की भावना, इनके मन की भावना क्या है उसको कौन समझ सकता है? इस तरह के फोटो लगा के वायरल करना क्या उचित नहीं है? अब आपके मन में सवाल होगा कि वो शक्तियां, वो ताकतें कौन सी हैं, क्या सचमुच भगवान हनुमान आकर के उनको बताते हैं जैसे वो बालाजी का नाम लेते हैं? मेरा उत्तर है नहीं। भगवान हनुमान इतने सस्ते नहीं है कि वो किसी को आकर के बताएं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब वो शक्तियां देख लीजिए कौन सी हैं। सबसे पहला नाम है, एक सिद्धि है जिसका नाम है कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि, ठीक है, हो सकता है आप मेरे को बेवकूफ कहें, लेकिन
आप इस सिद्धि के बारे में गूगल में सर्च करना कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि क्या होती है। दरअसल ये जो सिद्धि होती है तांत्रिक विद्या होती है, कुछ मंत्र उच्चारण का आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है, सालों साल इस तपस्या के अंदर लग जाते हैं। इसके बाद एक अलौकिक शक्ति होती है, एक देवी होती है, इसको कर्ण पिशाचिनी माता कहते हैं। कहते वो कान में आकर के बैठ जाती है, जो इस तपस्या को करता है उसके कान में भयंकर दर्द होता है। अगर आपको पूरी विधि जाननी है तो आप YouTube पर सर्च करिएगा कर्ण पिशाचिनी विधि, या फिर Google में सर्च करिएगा, पूरी आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे कैसे इसकी विद्या करनी होती है। वो मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे जानने का काम करते हैं। अब ये मंत्रोच्चारण से कठिन तपस्या होती है, उस कठिन तपस्या के मंत्रों के आह्वान से वो देवी आकर के कान में सब बताने का काम करती है कि सामने वाला कौन है, किस गांव से आया है, क्या काम करता है। अब एक और दिलचस्प मामला इसके अंदर, जब मैंने इसके बारे में अध्ययन किया तब पता लगा कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में लाइव नहीं बता सकते कि ये कहां से आया, क्या कर रहा है, लिख के बताना पड़ता है। ये भी एक, नहीं तो अगर इस तरह का नियम अगर वो तोड़ेंगे, अगर सामने वाले के बारे में लाइव बता देंगे, कहते हैं कि ये देवी जो शक्तियां जो है ये कभी नहीं आती। अपने नवरात्रों के अंदर विद्याओं का जिक्र सुना होगा, 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं में से एक नौवीं महाविद्या जिसका नाम है कर्ण मातंगी साधना। कर्ण मातंगी साधना, ये जो कर्ण मातंगी साधना जो है ये भी यही काम करती है। मां मातंगी जो है काम क्या करती है, मां मातंगी जो साधक कर्ण मातंगी यंत्र होता है, किसका भी एक मंत्र उच्चारण के साथ में पूरी विधि आपको गूगल यूट्यूब पे मिल जाएगी कि कर्ण मातंगी साधना क्या होती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूं, आप गूगल करिएगा, इन दोनों विधियों के बारे में एक बार सर्च करिएगा, उसके बाद मेरी वीडियो पर कमेंट करिएगा, ठीक है। कर्ण मातंगी साधना के अंदर कान के अंदर आकर के कर्ण मां मातंगी बताने का काम करती है, सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, इससे भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीजों के बारे में पता चल जाता है। ये आप गूगल इनके बारे में कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, क्या उनके पास में भगवान हनुमान बताते हैं या फिर ये विद्याएं हैं उनके पास में ज्योतिष की, या फिर या कहिए सिद्धि की। ये दो ही महत्वपूर्ण विद्याएं हैं जिनके सहारे कोई व्यक्ति क्या जान सकता है कि भूत भविष्य वर्तमान सामने वाले व्यक्ति के बारे में बता देता है। दरअसल ये जो कर्ण पिशाचिनी साधना होती है बड़ी कठिन साधना होती है, शास्त्रों के अंदर इसके बारे में जब मैंने अध्ययन किया तो कहते हैं कि यह साधना करने वाला व्यक्ति नरक भोगता है, या फिर उसका जो जिंदगी का अंतिम पड़ाव होता है वो इतना भयंकर होता है, वो इतना दुसावर होता है कि हर किसी को नहीं करनी चाहिए। इसलिए हो सकता है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन विद्याओं के बारे में न बता के सीधे भगवान हनुमान की पूजा प्रेरित करने के लिए कहते हैं, सिर्फ साधक को वो आवाज सुनाई देती है, सिर्फ साधक को। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री आतंकवादी घटनाओं के बारे में क्यों नहीं बताते, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आई उसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों नहीं बताया। दरअसल ये जो विद्याएं होती है, चाहे मैं कर्ण पिशाचिनी की बात करूं, मां मातंगी साधना की बात करूं, ये कान में आकर के जो व्यक्ति सामने आता है, जिस व्यक्ति का चेहरा सामने होता है, आपने कई बार इनकी वीडियो आपने देखी होगी, तो कई बार कहते हैं जरा जोर से ऊंचा बोलो, एक पंडोकर सरकार के बाबा हैं, मां तारा देवी दिव्य दरबार है, उड़ीसा में एक दिव्य दरबार, बहुत सारे दरबार आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं थोड़ा ऊंचे बोलो, क्योंकि उनको कान में वो देवी की आवाज आती है, इसलिए जो व्यक्ति सामने आता है और सामने वाले व्यक्ति के मन में जो सवाल है सिर्फ वही बता सकते हैं, भविष्य वाली घटनाओं के बारे में नहीं बता सकते कि आज इसकी जिंदगी में पीछे क्या क्या हुआ, सिर्फ उतना ही बता सकते हैं। ये भविष्य के बारे में इनको जानकारी नहीं होती, सिर्फ अपने तुक्के से अनुभव के आधार पर ये लोग बताने का काम करते हैं। तो इन विद्याओं के दम पर पंडित धीरेन्द्र ब्रह्म शास्त्री जो हैं वो सनातन का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। 1% भी अंधविश्वास नहीं है, पाखंड